हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बारे में आपने बहुत सी चीज़ें जारी यहाँ पे, जैसे एकेडमिक्स कैसा है, मेस का खाना कैसा होता है और यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखी। तो मैं जो है पहले वीडियो को ही कंटिन्यू करता हूँ और इस वीडियो में और भी चीज़ें जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बारे में बताऊँगा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन आप ले सकते हैं और एमबीबीएस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए कट ऑफ मार्क क्या क्या है, अप्रोक्सीमेट कट ऑफ मार्क्स क्या क्या है। तो चलिए हम लोग वहीं चलते हैं जो है राजेंद्र हॉस्टल में और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जन में जय, मतलब तीनों लोग से सवाल है कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर जो है ये शहर है, वो हमेशा आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, उनके आने से मतलब तुमको क्या लग रहा है, यहाँ पे कुछ इफेक्ट आता है अदर कॉलेजों से? जी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है क्योंकि वो आते हैं तो कुछ ना कुछ करके आते हैं यहाँ के लिए, पैसा वैसा देके ही जाते हैं, पैसा देके जाते हैं, साथ में वो कई चीज़ें बनवा भी चुके हैं, जैसे पीडियाट्रिक बनवाया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग सामने ही है और सुपर स्पेशलिटी भी उन्हीं की देन है, और साथ में अभी एक विकलांग के लिए हॉस्टल बन रहा है उस 500 बेड का, वो भी उनके लिए देन है, और साथ में अगल बगल का जो कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, यानी कि रोड सड़कें जो स्ट्रीट हो रही हैं, स्ट्रीट लाइट हो रही हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया है 4-5 साल में। हाँ, तेजी से बदल रहा है, जैसे अभी तुम लोग का नौका भी आ रहा है वहाँ पे, वाटर स्पोर्ट और लेजर शो ये सब भी चीज़ चालू हो गई हैं। और बताओ तुम जन्मेजय, मतलब क्या लग रहा है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के आने से या रहने से? उनके आने से एक चीज तो अच्छी हुई कि जो बीआरडी को जो नई नई सौगात मिल रही है ये बहुत अच्छी हुई कि उतना मतलब पहले इसको बजट नहीं मिल रहा था, अब बजट बहुत ज्यादा हो रहा है, योगी जी आते रहते हैं, कॉलेज में क्या दिक्कत है, हॉस्पिटल्स में क्या दिक्कत है, अभी तो आए थे डॉक्टर्स डे को, आए थे डॉक्टर्स डे पर, आए थे उसके पहले भी आए थे एक बार, कई बार मतलब हर 2-3 महीने पे लगभग एक बार योगी जी आ ही जाते हैं कॉलेज में। अभी सिल्वर जुबली होने वाला है नवंबर में, अब यहाँ सिल्वर जुबली होने वाला पूरा हॉस्पिटल ही रेनोवेट हो रहा है, अभी तो देख रहे होगे पूरा बन रहा है, अंदर टाइल्स वाइल्स लग गया, मोदी जी भी हो सकता है आए क्योंकि उनके भी आने की बात चल रही है, की बात चल रही है कि मोदी जी भी आए, अभी प्रिंसिपल ऑफिस रिनोवेट हो गई है, हमारे साथ एकेडमिक भी रिनोवेट होने ही वाला है, एकेडमिक भी चल रहा है रेनोवेट और हॉस्पिटल तो अंदर जाके देखो पूरा रेनोवेट हो चल ही रहा है, जो हॉस्पिटल अंदर का आईसीयू तो पूरा रेनोवेट हो चुका है। हाँ, बताना कि अभी मतलब एमबीबीएस के अलावा यहाँ पे और कौन कौन सी कोर्सेज, और इसके अलावा एमबीबीएस तो चलो ठीक है, उसके अलावा भी यहाँ पे और सी कोर्सेज होते हैं? यहाँ पे देखिए बहुत कोर्सेज है, जैसे एमबीबीएस के अलावा हम पीजी भी चल रहा है, पीजी का स्पेशलाइजेशन भी चल रही है यहाँ, और उसके अलावा अगर देखेंगे तो लैब टेक्नीशियन का कोर्स चल रहा है, लैब टेक्नीशियन का है, फार्मा वाला चल रहा है, फार्मा वालों का, नर्सिंग भी चल रहा है, और नर्सिंग वर्सिंग के लिए भी नए बहुत बड़े बिल्डिंग भी बन रही है, पूरे ग्राउंड के पीछे क्रिकेट ग्राउंड के पीछे उन लोग हॉस्टल भी बन रहा है, हॉस्टल और जिनको अगर करना हो नर्सिंग बन रहा है, अगर जिनको टेक्नीशियन या फिर फार्मा या फिर नर्सिंग करना हो वो लोग मतलब यहाँ पे अच्छे से एडमिशन ले सकते हैं, और एकेडमिक्स तो अच्छे हैं यहाँ। हाँ, वो तो है। तुम बताना कि मतलब कितने कितने मार्क्स पे अप्रोक्सीमेटली बता दोगी, मतलब किस कैटेगरी में कितने मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। बस जैसे हम लोग के हिसाब से जो हम लोग का था वो ये था कि जनरल का लगभग 627 नंबर पे क्लोज हो गया था। हाँ, और रैंक लगभग मतलब 8000 के अंडर होनी चाहिए। हाँ, और ओबीसी का जो था वो 622 नंबर पे क्लोज हुआ था, और रैंक जो है वो लगभग 10000 के अंदर होनी चाहिए, और एससी एसटी का लगभग 85000 के आसपास रैंक होनी चाहिए, तो अगर इस उसके हिसाब से इस बार कंपेयर करें तो बहुत होगा, तो 1-2 नंबर का वही ऊपर नीचे होगा, तो रैंक मतलब ऑलमोस्ट इस बार जो रैंक बनी वो लगभग 500 रैंक ज्यादा लगभग बनी है, तो नंबर लगभग इसके आसपास रहेंगे तो हो जाएगा। ठीक, चलो जनमेजय, ये सब तो हो गया, तुम अपना नाम बताना भाई, भूल गए। बस मेरा नाम पुष्पेश पांडे। पुष्पेश, हाँ, तो तीनों लोग बताना अभी, ये सब तो हो गया, चलो जो जनरल बातें थी वो सब हो गई, और अभी एक रूम टूर छोटा सा दे दो भाई। बस देखिए रूम टूर के दो, ऐसे रूम में एक पंखा मिलेगा, आपको एक ट्यूबलाइट रहेगी, एक एलईडी बल्ब रहेगा, वो सब खुद ही देते हैं वो लोग, वो मिलेगा, और आपको एक 2 बेड मिलेगा और 2 गद्दा मिलेगा। 2 बेड और 2 गद्दा, देखो ऐसा एक ये मोटा वाला बेड है और एक ये मैट्रेस ये वाला, और एक देखिए कुर्सी मिलेगा, ये कुर्सी हो गया, और एक टेबल मिलेगा, टेबल हो गया, और जिनको कूलर लगाना भाई अपना कूलर लगा सकते हैं, वो अपना गर्मी में ठंडी के दिनों में वो लगाएंगे, हीटर लगा सकते हैं, और अपना केटल रखना हो कुछ बॉयल वॉयल करने के लिए तो कोई एक्स्ट्रा बिजली का बिल, एक्स्ट्रा का बिजली का बिल देना नहीं है, वही एक साल में जितना लगता है 3600 लगता है ना, वही एक साल में जमा हो जाता है पूरे साल का, और अलमारी अलमारी खोल के दिखाना भाई, मिलता है देखिए ये सब, इतना बड़ा सा आपको अलमीरा मिलेगा, और इधर साइड में भी रखने के लिए कुछ मिल जाएगा,
और ऊपर भी आप रख सकते हैं और यही सब है इधर, ये इधर खिड़की खुला हुआ है, दो बेड हो गए, अच्छा है यहाँ पर, मतलब हवा आती जाती रहती है, कोई चिंता नहीं कि सफोकेटेड हो जाएगी। टूर भी हो जाए, एक घुमा देते हैं, अभी मैं बालकनी में खड़ा हूँ, मैं जिस फ्लोर पे रहता था वही फ्लोर है, पीछे से बालकनी में आप देख सकते हैं, ये पीछे व्यू मिलता है, यहाँ से पीडियाट्रिक वाली बिल्डिंग दिखती है। और कहा गया जन्मेजय बुलाओ भाई, भाई जन्मेजय तुम अब बताओ अपने तरफ से, जन्मेजय और उमेश आ जाओ। देखिए अभी हम लोग सेकेंड फ्लोर पे खड़े हैं, ये सामने देखिए बालकनी है, यहाँ से हम अपना पीडिया का बिल्डिंग देख सकते हैं, और ये सामने इधर आओ, इधर आवाज कट जाएगी तुम्हारी। ये देखिए सामने जो रेड बिल्डिंग है ये हमारी पीडिया की बिल्डिंग है, और ये जो येलो वाली बिल्डिंग है ये गौतम हॉस्टल है, यहाँ 18 बैच के और 17 बैच के सीनियर्स लोग रहते हैं। और ये तुम्हारा और ये मेस हो गया। हमारा मेस वाला ये छोटा सा बिल्डिंग दिख रहा है आपको नीचे, यहाँ से हवा प्रॉपर आती रहती है। चलो और इधर जो है, इधर तो बॉस लोग रहते हैं, इंटर्न वाले बॉस लोग रहते हैं, 16 वाले बॉस लोग चले गए, अभी इसमें चलो सही है। हाँ तो भाई जन्मेजय तुम थोड़ा सा वॉशरूम भी दिखा दो कैसा है। ये हमारा वॉशरूम है सेकंड फ्लोर का, आपको साफ सफाई रखते हो कि नहीं? साफ है, इसमें आपको नहाने वाला ये सब, तो तीनों वॉशरूम हो गया, ये तीनों वॉशरूम आपको साफ मिलेंगे। और इधर सामने देखिए टॉयलेट हो गया, ये टॉयलेट और इधर तीन वॉशरूम और तीन। चलो ठीक है, इतना भाई ठीक है, बस ना हो सके उसके लिए यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, जैसे कि ऊपर एक कोने में लगा हुआ, कहाँ गया, एक ऊपर कोने में ये लगा हुआ है, और मैं आपको दिखाऊंगा हर जगह जगह कैमरा लगा हुआ है। चलो आ जाओ भाई, पेड़ पौधे भी लगा चुके हैं, और यहाँ पे एक वाटर कूलर भी लगा हुआ है, जो कि हम लोग के बैच नहीं लगवाया था, अभी अभी चल रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वाटर कूलर चल रहा है ना, और एक कैमरा इधर लगा हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं हम लोग, और बताओ अच्छा सब लगा, ये तो है भाई, अच्छा पेड़ पौधा लगा दिया है इसमें, अच्छा लग रहा है थोड़ा देखने में, साफ सफाई और मेंटेन, ये बल्ब जलाओ भाई, एकदम पेड़ पौधा दिखाने के लिए वेरी एक्साइटेड है। तुम इस पौधे का नाम बताओ, तुम इस पौधे का नाम बताओ पहले। नाम पता करके बताओगे, और ये सब भी इधर लगा दिए भाई, तुम इसका सुंदर तो लग रहा तुम, लेकिन इसका नाम पता करके मुझे बताओगे। अरे ठीक है भाई, समझ गया, तुम लोग रेडी कर रहे हो, तो इन लोग का अभी फ्रेशर होने वाला है, अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा है, कैसा भाई तुम लोग को लग रहा है अभी, तुम लोग का फ्रेशर हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मिल जाएगी, एकदम पूरा नाच रहा है पूरे एनर्जी के साथ। तुम तो जन्मेजय ज्यादा एक्साइटेड लग रहा हूँ। चलो भैया डांस की प्रैक्टिस करो, बेस्ट ऑफ लक। अभी फर्स्ट फ्लोर से आ गए हैं इधर ग्राउंड फ्लोर पे, एक कैमरा इधर भी लगा हुआ है सामने, एक कैमरा लगा हुआ है, और ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का अभी आज एक नोटिस लगा हुआ है ऐसा कुछ। इस साइड मेस है जन्मेजय भाई, मेस दिखाओ, एक कैमरा मेस के साइड में भी लगा हुआ है, मतलब कोई मेस में भी रैगिंग न ले पाए इसलिए, और मेस के पास भी एक पानी वाला व्यवस्था लगा है, वाटर कूलर भी है एक मेस के पास, और ये मेस हो गया, यहाँ पे आपको 5-6 पंखे मिल जाएंगे। अरे ठीक, और ये टेबल इसका कहाँ गया, इसका चेयर कहाँ गया? हाँ ये है एक, चलो ये एक ये मेस हो गया, इधर मेस का खाना वाना बनता है, इसी पे खाना अपना रख दिया जाता है अपना, जिसको ले खाना। चलो सही है, बाहर जाने के लिए ये है मेन गेट, और इस पे भी कैमरा लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कैमरा लगा हुआ है, और दूसरा गेट भी है बाहर जाने के लिए, जिससे कि मैं जा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे शायद वो ताला लगा हुआ है इस पे, शायद पास जाके देखते हैं, शायद ताला तो नहीं लगा है। तो यहाँ पे भी एक कैमरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये है कैमरा, जिससे कि कोई आए जाए अंदर तो दिखे। तो दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसके वजह से वीडियो आने में लेट हो गई। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं हिमांश जीरो के नाम से, और वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।